हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हमारी दुनिया काफी विचित्र है। इसी दुनिया में एक से एक घटनाएं होती रहती हैं। कई घटनाएं जहां बेहद सामान्य होती हैं, कुछ घटनाएं बेहद चौंकाने वाली होती हैं। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया भर के कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद रहस्यमय मानी जाती हैं। इनमें से कई घटनाएं ऐसी हैं जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए, लेकिन दोस्तों इन घटनाओं का सही कारण पता नहीं चल सका। हालांकि दोस्तों ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब है, लेकिन दोस्तों साइंस की तरक्की के बावजूद की गई घटनाओं पर से अभी पर्दा नहीं उठ सका। तो दोस्तों आइए जानते हैं ऐसी ही दुनिया की 10 अनसुलझी रहस्यमय घटनाओं के बारे में। तो दोस्तों मेरा नाम है आबिद और आप देख रहे हैं द जीनियस फैक्ट्स। दोस्तों कूपर फैमिली ने 1950 के आसपास टेक्सास में एक पुराना घर खरीदा था। उस घर में पहली रात पार्टी मनाने के दौरान उनके पिता ने परिवार की फोटो ली। इस फोटो में दो बच्चे अपनी माँ और दादी की गोद में बैठे हुए हैं। इस फोटो के डेवलप होने के बाद पूरा परिवार फोटो को देखकर चौंक गया, क्योंकि फोटो में परिवार के साथ एक लटकी हुई लाश भी दिखाई दे रही थी। दोस्तों ये दावा किया गया कि ये फोटो लेने के समय वहाँ ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। दोस्तों कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नेगेटिव के साथ छेड़छाड़ की गई होगी, लेकिन कपूर फैमिली ने इस बात से इनकार कर दिया था। दोस्तों बाद में फोटो की सच्चाई जानने के कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये अब भी रहस्य में बनी हुई है। दोस्तों नॉर्वे के होल्टेन में डेल्टालिन घाटी के आकाश में अक्सर देखी जाने वाली रोशनी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। दोस्तों ज्यादातर ये रहस्य में रोशनी चमकदार सफेद पीले या लाल रंगों में एक घंटे से अधिक देर तक दिखाई देती है। ये रोशनी तेजी से कभी हवा में तैरती है तो कभी एक जगह से रुक सी जाती है। दोस्तों इस तरह की घटना सिर्फ नॉर्वे में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे भागों में 1940 के बाद से खबरों में आती रही है। इसके कारणों को जानने की लोगों ने काफी कोशिश की गई, लेकिन दोस्तों कोशिशों के बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। ये आज भी एक रहस्य में है। दोस्तों ये फोटो 1964 में जिम टेम्पलेटन नाम के एक फोटोग्राफर और स्थानीय इतिहासकार ने ली थी। वे अपनी बेटी को इंग्लैंड के कमरबिया के एक इलाके सोलवे पर्थ ले गए थे। फोटोज को डेवलप करने पर इन्हें एक फोटो में एस्ट्रोनॉट जैसी एक पिक्चर दिखाई दी। जिम ने ये दावा किया था कि फोटो लेने के टाइम उनकी बेटी के पीछे कोई नहीं था। दोस्तों इस फोटो को लेकर काफी बहस भी हुई थी। दोस्तों इसलिए इसे अक्सर रहस्यमय घटनाओं में शामिल किया जाता है। दोस्तों 20 अगस्त 2007 को सैलिश सागर के समुद्री तटों पर कई कटे हुए इंसानों को पैर पाए गए। दोस्तों इन पैरों में से केवल कुछ ही की पहचान हो सकी। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि ये पैर किसी बोटिंग एक्सीडेंट या समुद्र में हुए प्लेन क्रैश में मारे गए लोग के पैर भी हो सकते हैं। दोस्तों पैरों पर किसी तरह के निशान नहीं पाए गए, पर मर्डर और टॉर्चर के बाद भी की गई हत्या से भी इनकार नहीं किया जा सकता। 26 दिसंबर 2004 को एशिया में आई सुनामी से भी इसे जोड़ा गया, लेकिन दोस्तों ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों 1638 को सेंट पैनक्रॉस के एक चर्च को एक जोरदार आंधी का सामना करना पड़ा। उस दौरान चर्च से एक आसमानी बिजली टकराई थी। दोस्तों दोपहर का समय होने के कारण चर्च प्रार्थना करते 300 लोगों से भरा हुआ था। 4 लोग इसमें मारे गए और 60 लोग बुरी तरह घायल हुए और बिल्डिंग भी तहस नहस हो गई थी। दोस्तों इस घटना से पहले आसमान में अजीब सी अंधेरा छा गया था। तेज रोशनी चर्च और उसमें बैठे लोगों को नुकसान पहुंचाकर वापस चली गई थी। दोस्तों एंकर्स के मुताबिक फांसी के लोगों ने दावा किया था कि एक शैतान ने जुआरियों को बुलाने पर इस घटना पर अंजाम दिया था। असल में क्या हुआ था इसे लेकर आज भी सिर्फ दावे ही किए जाते हैं। कई रिसर्चरों ने इस घटना के तह में जाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों उन्हें भी कुछ हाथ नहीं लगा और ये घटना आज भी रहस्य में है। दोस्तों ब्लैक डायला मर्डर केस लॉस एंजलिस के सबसे पुराने अनसुलझे मर्डर केसों में से एक है। अमेरिका में रहने वाली एलिजाबेथ शॉर्ट को ब्लैक डायला नाम दिया गया था। 15 जनवरी 1947 को उसकी हत्या हो गई थी। शॉर्ट की लाश कमर से आधी कटी हुई थी और शरीर के कई अंगों पर घाव थे। उसका मुंह कान तक चिरा हुआ था। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि तकरीबन 60 लोगों ने इस हत्या को जुर्म कबूला था, जिनमें से ज्यादातर आदमी थे, पर इनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। दोस्तों ये अपने समय का चर्चित केस रहा था और इसे द ब्लू डायला नाम की फिल्म भी बन चुकी है।
दोस्तों 21 साल की एलिसा लिम ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी वैंकूवर में एक स्टूडेंट थी। 19 फरवरी 2013 को उसकी लाश डाउनटाउन के सेसिल होटल के ऊपर वाटर टैंक में पाई गई। दोस्तों जब होटल के मेहमानों को जब उससे अजीब सी बदबू आई तो उन्होंने कर्मचारियों से शिकायत की थी। दोस्तों सीसीटीवी की जांच में लैम को लिफ्ट से ऊपर जाते देखा गया था, जो शायद ठीक से काम नहीं कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में उसे उससे या किसी और से किसी अदृश्य चीज से बात करते देखा गया था। वह बहुत परेशान लग रही थी। दोस्तों जब वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने लैम को मानसिक रोगी कहा और किसी ने वीडियो से छेड़छाड़ की भी बात कही, लेकिन दोस्तों ये केस सुलझाया नहीं जा सका। हालांकि दोस्तों इस घटना से प्रेरित भी मूवीज भी बनाई गई है। दोस्तों हिंटरकैफिंग जर्मनी के म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर स्थित एक जगह है। जर्मनी के इतिहास में इस इलाके को सबसे विचित्र अपराधी के लिए जाना जाता है। दोस्तों 31 मार्च 1922 को वहां रहने वाले 6 किसानों की एक कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। मरने वालों में एंड्रियास ग्रूबर, उसकी पत्नी कैजिला, उसकी बेटी विक्टोरिया और उसके 2 बच्चे और उनकी मेट थी। लेकिन दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यह कही जाती है कि घटना के कुछ दिन पहले ही एंड्रियास ने अपने पड़ोसियों से बर्फ पर कुछ पैरों के निशान होने की बात कही थी। घटना के 6 महीने पहले वहां काम कर रही एक मेड ने भी उस जगह को भूतिया बताया था और वह बहुत डरी हुई भी थी। हत्या के पीछे की असल वजह अब तक नहीं सुलझ सकी और यह आज भी एक रहस्य है। दोस्तों माना जाता है कि स्कॉटलैंड की लॉज जेल के दैत्य का रहस्य जेल में ही छुपा हुआ है। ये रहस्य 1933 में पहली बार तब सामने आया जब लोगों ने जेल में एक दैत्यगण जीव को देखा था। हालांकि कुछ रिपोर्टों में इसे डायनासोर प्रजाति का विलुप्त जीव ऐसे सोर माना जाता रहा है, जो कि गहरे पानी में रहता है और कम ही बाहर आता है। पर दोस्तों ये रहस्य है कि वह सच है या नहीं, इसका किसी को अंदाजा नहीं है और यह आज भी रहस्य बना हुआ है। दोस्तों 18 साल पहले मिले इस कंकाल की लंबाई सिर्फ 6 इंच है। ये कंकाल चिली में एक गोस्ट टाउन नामक जगह पर मिला था। दोस्तों चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये कंकाल हूबहू एक स्वस्थ इंसान की तरह दिखता था। कई लोगों ने अपना तर्क दिया कि ये एक एलियन है और कई लोगों ने इसे एक छोटा नर कंकाल माना, लेकिन दोस्तों ये कंकाल आज भी रहस्यमय है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में।